सहारनपुर के एसपी सिटी अभिमन्यु वांगलिक ने बताया कि सहारनपुर जनपद के थाना सदर बाजार क्षेत्र अंतर्गत जेबी जैन कॉलेज के पास हुई फायरिंग की घटना में विपिन गंभीर रूप से घायल हो गई हैं। घायल को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां से उसे हायर सेंट्रल के लिए रेफर कर दिया है। घटना की सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंची और एसपी सिटी अभिमन्यु मांगलिक ने बताया कि घटना में मुख्य अभियुक्त निशु पंडित पुलिस के हिरासत में आ चुका है। पूछताछ जारी है, जो भी तथ्य सामने आएंगे उसमें अनुसार आगे की कार्यवाही की जाएगी। जी, आज शाम को 7:30 बजे के आसपास एक ये सूचना मिलती है, सदर बाजार थाना क्षेत्र की घटना है। आवास विकास क्षेत्र में देवी जैन कॉलेज है, उसके बाहर ये दो लड़कों में गाड़ी गलौज हुई, उसके बाद वहाँ पे फायरिंग की सूचना मिलती है। फायरिंग जो घायल हुआ है उसका नाम बंटी उर्फ विपिन है, ये रहने वाला चंद्रपुर गाँव थाना रामपुर मनिहारन का है, और तत्काल जब जिला अस्पताल भर्ती कराया गया वहाँ से रेफर कर दिया गया। अभी इनकी हालत थोड़ी क्रिटिकल बनी हुई है, लेकिन ये डॉक्टर जैसे बातचीत करी गई कि अभी ये फिर भी बचने के काफ़ी इनके प्रोबेबिलिटी है, और तुरंत इस पर पुलिस ने एक्शन लिया। और जो इसमें नाम निकल के आ रहा था मुख्य अभियुक्त निशु पंडित, ये पुलिस की हिरासत में आ चुका है और इससे अभी पूछताछ जारी है। घटना करने का मोटिव क्या था वो भी इससे पूछताछ की जा रही है, और जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके अनुसार इसमें आगे विधिक कार्रवाई की जाएगी। तो क्या कोई पुरानी जैसे मैंने बताया अभी घायल इस पोजीशन में नहीं था जो बता पाए कि क्या वहाँ पे हुआ था, उसने यही बताया था कि गाली गलौज हुई कुछ बात से पेश में आकर सामने वाले पक्ष में जो निशु पंडित था जो मुख्य अभियुक्त था उसने फायर कर दिया।